सो हेलो एवरी वन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हो। आप सब लोगों को फिर से वेलकम करती हूँ मेरी मालतीज़ डेली ब्लॉग में, एक नया ब्लॉग वीडियो देखने के लिए। तो आज का जो है, आज मैं थोड़ा लेट ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, और आज का जो मॉर्निंग का काम होता है वो सारा काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। झाड़ू पोछा बर्तन जो सब डेली होता है वो सब हो चुका है, और अभी मैं जाऊंगी खाना बनाने के लिए। पूजा पाठ भी सब कुछ फिनिश, मेरा नाश्ता वास्ता सब कुछ फिनिश, अभी मैं खाना बनाने जाऊंगी रसोई में। तो आज बनेगा पनीर। पनीर बच्चे लोगों को बहुत पसंद है, और मेरे लिए सब्जी रखा है। कल मैंने मिक्स सब्जी बनाई थी बेंगोली स्टाइल में, बहुत ही टेस्टी, और ये पनीर आया हुआ है। अभी हम बनाएंगे शाही पनीर और उसके साथ बनाएंगे रोटी। 2 बजे तक बच्चे आएंगे, तब तक अभी बज रहा है 11:30, तो तब तक मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ। तो बीच बीच में थोड़ा सा कैसे खाना बना रही हूँ वो भी आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो आप लोग देखते रहिए आज का ये छोटा सा डेली मिनी ब्लॉग। और जो नए नए दोस्तों, उन लोगों को रिक्वेस्ट है, आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। और मेरी जो रील्स वीडियो है, शॉर्ट्स है, डांस, कॉमेडी, आप लोग उसमें भी लाइक कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलो अभी खाना बनाना शुरू करते हैं। खाना शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को मिला देती हूँ मेरे लड्डू जी से। तो लड्डू जी का भी नहाना धोना एकदम सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मैं आजकल लड्डू जी को यहीं पे रखती हूँ, यहाँ पे मेरा बच्चा लोग रहता है यहाँ पे, तो बच्चों के साथ में बच्चों को अच्छा लगता है। तो लड्डू जी भी हमारा बच्चा ही है, तो ये मेरे दोनों बच्चों के साथ में ये लड्डू जी यहीं पर विराजमान रहते हैं। तो चलो अभी जल्दी से जाते खाना बनाने के लिए। तो सारी सब्जियां काटने के बाद में यहाँ पे है अदरक, लहसुन, प्याज और टमाटर। इनको ऐड करने के बाद कुछ और ऐड करते हैं इसमें, जैसे कि 8-10 बादाम, 1 मुट्ठी काजू, 2 कश्मीरी सूखी लाल मिर्च, ये सिर्फ कलर करता है, तीखा नहीं होता है, 1 चम्मच जीरा, थोड़ा गरम मसाला इसमें है, दालचीनी, इलायची, लौंग और है काली मिर्च। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको प्रेशर कुक कर लेंगे, 2 से 3 व्हिसल लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो प्याज टमाटर था सब उबल चुका है और ठंडा भी हो गया। इसको अब मैं पीस के एकदम फाइन पेस्ट बना लूँगी। पनीर का छोटा छोटा पीसेस में कट कर लिया हूँ। यहाँ पे कॉर्नफ्लोर दे रही हूँ थोड़ा सा, और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, इसको कोट कर लेंगे अच्छे से। अच्छे से मिक्स हो चुका है, तेल भी गर्म हो गया, अब इसको फ्राई कर लेते हैं। ये फ्राई हो चुका है, इसको उतार लेते हैं। अभी जो है प्याज और शिमला मिर्च को थोड़ा सा भून लेते हैं, 1-2 मिनट तक इसको भून लेते हैं। ये भी भून गया है, जो इसको भी निकाल लेते हैं। तेज पत्ता, जीरा का छौंका लगा दिया। अभी इसमें तो फ्रेंड्स खाना तो यहाँ पे बन रहा है, लेकिन मेरी भी खाना बन रहा है, मतलब मैं भी पक रही हूँ। देख रहे हो कितना सारा पसीना पसीना आ गया है। खाना बनाते बनाते मैं भी पक जाती हूँ खाने के साथ में। तो अभी फ़ैन बंद है ना, क्योंकि पूरे घर में धुआं धुआं हो जाता है, इसलिए फ़ैन बंद है। और मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा गर्मी, कोई बात नहीं, 10-15 मिनट में सब्जी हो जाएगा, फिर हम लोग फ़ैन ऑन करके आराम से बैठेंगे। सो मसाला हमारा भुन चुका है, अभी हम इसमें भुना हुआ पनीर, मिर्ची और
प्याज डाल देते हैं और इनको अच्छे से मिला लेते हैं, एकदम बढ़िया से मिला लेते हैं। और इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा मिल्क ग्रेवी के लिए। इसमें हम क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरे पास में अभी क्रीम नहीं था तो मैंने मिल्क ऐड कर दिया। और इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी, ये रहा कसूरी मेथी, ऐड कर देते हैं। अभी इस सब्ज़ी को बस बढ़िया से मिक्स करके एक मिनट तक मिक्स करेंगे, मतलब एक मिनट तक मिक्स भी हो जाएगा, पक भी जाएगा और हमारा सब्ज़ी जो है खाने के लिए एकदम तैयार है। रोटी मैं बना चुकी हूँ, तो ऐसे मैं बनाती हूँ शाही पनीर। आप लोग कैसे बनाते हो ज़रूर से कमेंट करके बताना, बहुत ही टेस्टी लगता है, मेरे बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं। अभी जो है थोड़ा सा बर्तन है, इनको वॉश कर लेती हूँ फटाफट से, ताकि एकदम रसोई पूरा हमारा क्लीन क्लीन रहे। तो निकल के फिर घर में जाके फैन ऑन करके आराम से बैठेंगे, क्योंकि अभी खाना बनाते बनाते मेरी हालत ख़राब हो गई है, पूरा नहाई थी पूरा गर्मी से, अभी लग रहा है सूबह से मैं 2 बार नहा चुकी हूँ, क्योंकि गोपू जी को सेवा देना होता है तो मुझे नहाना पड़ता है। एक बार नहा चुकी हूँ, एक बार सारे भगवान लोगों को पूजा वूजा किया था, एक बार नहाई हूँ, तभी बर्तन वर्तन धो के लेती हूँ फटाफट से। सो फ्रेंड्स, खाना पीना बन चुका है, एक बोतल पानी मैंने भर लिया है और यहाँ पे अभी फैन ऑन करेंगे और उसके बाद में चुपचाप से थोड़ा सा बैठेंगे, फ़ोन चलाएंगे और उसके बाद में थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद में हम जो है वीडियो बनाएंगे, मतलब वीडियो बनाएंगे नहीं, डांस वीडियो कुछ कुछ है जिनको देख के मुझे प्रैक्टिस करना है, ताकि मैं शॉर्ट वीडियो बना पाऊँ, रील्स बना पाऊँ, इसके चलते प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है आज का वीडियो 5-6 मिनट का तो हो ही चुका है, तो आज के लिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। फिर एक छोटा सा मिनी ब्लॉग लेके, डेली ब्लॉग लेके आप लोगों के साथ में हाजिर होती हूँ आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ में बातचीत करने के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।